वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज का जो मेरा शेविंग का प्लान है बड़ा ही सिंपल सा है, वन पास विद द ग्रेन और कुछ टचअप्स में मैं ये शेव कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। ओके, और आज मैं स्पेशली यूज करना चाहता हूँ स्टैटम ब्लेड। बहुत टाइम से जय करके हमारे एक व्यूअर हैं जो कह रहे हैं कि प्लीज आप स्टैटम ब्लेड रिव्यू करो, प्लीज आज मैं स्टैटम ब्लेड रिव्यू करूंगा। इसके बारे में जानते हैं, बाकी और प्रोडक्ट्स भी कौन से यूज करने वाले देखते हैं और चालू करते हैं स्टेप बाय स्टेप वन पास विद द ग्रेन शेविंग प्रोसेस। ओके, शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों स्टेटम ब्लेड के बारे में जान के। दोस्तों स्टेटम प्लैटिनम क्रोम स्पटर्ड ब्लेड्स, यूके टेक मेंशन्ड है, प्लैटिनम क्रोम जापनी स्टील ऐसा लिखा हुआ है इस पे, और मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, लश्कर रोड विलेज पदार्थ डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। ओके, हरिद्वार में बनती है, उत्तराखंड में। इसका जो एमआरपी वाला जो प्राइस है वो मेंशन है 18 रुपए और इसमें है 10 ब्लेड। ठीक है, इसका अगर पैकेजिंग देखें तो ओके, तो इसका डबल रैप पैकेजिंग है, इस तरीके के कुछ ब्लेड्स है इसके डबल रैप्ड है। आप पहले ही ब्लेड निकाल लेते कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा शेविंग सोप है, दैट शेविंग सोप इज जनतुल फिरदौस शेविंग सोप फ्रॉम द हाउस ऑफ कैप्टन नेमो। ओके, हमने यूज किया हुआ है इसको पहले। इसका कुछ जो टेक्सचर है वो इस तरीके का है, ग्लिसरीन बेस्ड सोप है एंड स्मेल्स रियली लाइक अ वेरी क्लासिक एंड वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी सटल फुजेर फ्रेग्रेंस। बहुत ही बढ़िया, जनतुल फिरदौस के डेफिनेटली इसमें हिंट्स है। हिंट्स क्या है, जनतुल फिरदौस का ही नोट है। इट इज वेरी प्लेजेंट, इट्स वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल स्विस अरेबियन वाला जो जनतुल फिरदौस है उसके फ्रेग्रेंस से काफी सिमिलर है। वेरी नाइस। आज का जो ब्रश है वो हमारा बॉम्बे शेविंग कंपनी का सिंथेटिक ब्रश, रिसेंट लॉन्च इन बजट रेंज। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द पिंक वुल्फ सिंथेटिक ब्रश जो भी आया है, वो भी बजट में है, ये भी बजट में है। ब्रिसल्स दोनों के मुझे तो सेम ही लगते हैं, आई डोंट नो उनमें कोई डिफरेंस है या नहीं, आई फाइंड देम सेम, मतलब सिमिलर भी नहीं कहूंगा, सेम ही लगते हैं मेरे को। बट या अगर आपको डिफरेंस लगता है दोनों में तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मेरे इस असेसमेंट के हिसाब से मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं। ओके, नाउ सोप को ब्लूम नहीं किया है, थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ चेहरे पे। फेस वॉश आज पतंजलि वाला ही मैंने यूज किया है। ओके, दिस इज नॉट अ सॉफ्ट सोप। ओके, ये अच्छा खासा हार्ड सोप है, ग्लिसरीन बेस्ड सोप है। काफी डिबेट है दोस्तों वेट शेविंग कम्युनिटी में कि ग्लिसरीन बेस्ड सोप को शेविंग सोप मानना चाहिए या नहीं। खैर, मैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा, बट खैर मैं तो इसकी फ्रेग्रेंस का दीवाना हूं यार। दिस इज रियली दैट ऑथेंटिक ओरिजिनल जन्नतुल फिरदौस सेंट। वाओ, मार्च के टाइम पे यूज कर रहे हैं, बहुत मजेदार है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मार्च में ना वो फ्लावर ब्लूम भी होना शुरू होते हैं, पतझड़ का मौसम खत्म होता है और जो नए नए फ्लावर्स आते हैं उनकी अच्छी सेंट भी जो है वो एनवायरनमेंट में अच्छी घुल मिल जाती है, एक बढ़िया माहौल बनता है स्प्रिंग का एंड रियली एंजॉयबल। तो दिस इज रियली यू नो, अगर जनतुल फिरदौस मेरे से आप पूछो तो दिस इज माई फ्रेग्रेंस फॉर द स्प्रिंग, वेरी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस फॉर द स्प्रिंग। No problems in wearing in the office also because it is very freshening, very classic, very I'll say colony also because इसकी खुशबू जो है वो काफी अच्छी pleasant experience देती है आपको with the greens, the flowers and the earthy notes really, और इसके बेस में जो है वो खस होता है in general। I really enjoy this fragrance. Now this shaving soap, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो this is from the house of Captain Nemo Shaving Supplies, okay? Captain Nemo, इसके जो brains behind Captain Nemo Shaving Supplies is Mr. Abir Laskar, very dear friend,
एंड वेरी इनोवेटिव पर्सन. अगर आप उनको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली कर सकते हो. अच्छा, उनके फिटनेस रिलेटेड पोस्ट भी आते हैं. ही इज अ फिटनेस कॉन्शियस पर्सन एज वेल. ओके, इट्स गुड. एंड लादर भी आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वॉल्यूम वगैरह ठीक ही लग रहा है मेरे को तो. एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल ट्रेडिशनल शेविंग सोप्स, इसका जो लादर है थोड़ा सा थिन है कंसिस्टेंसी में, बट नो प्रॉब्लम्स विथ द स्टेबिलिटी ऑफ द लादर. डिसिपेट वगैरह नहीं हो रहा, बबल्स छोटे ही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. क्योंकि कुछ शेविंग सोप्स अपने आप को शेविंग सोप बोलते हैं लेकिन एंड में पता पड़ता है कि उन्होंने आपको गोली दे दी है. ऑल राइट, डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट. ठीक है, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है. बट आज का जो रेजर है वो रोमन 7 रिगालिया, वन ऑफ माई मोस्ट लाइक्ड मीडियम एग्रेसिव रेजर्स. आपने मीडियम एग्रेसिव वाले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें देखा ही होगा कि टॉप 5 में इसने अपनी जगह बनाई थी. बहुत अच्छा रेजर है ये एज फार एज आई एम कंसर्न. काफी लोगों को पसंद आता है ये रेजर, हु प्रिफर मीडियम एग्रेसिव रेजर, जिनको हफ्ते में 2 से 3 बार शेविंग करनी होती है. और रेगुलर शेविंग के लिए तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, बट इट्स गुड फॉर ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस. अभी मतलब कम से कम 2 से 3 दिन का अगर आप गैप रख रहे हो तो ये वाला रेजर आपको पसंद आ सकता है. रोमर 7 रिगालिया, द वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ इट्स काइंड. ओके, इसमें स्टेटम ब्लेड मैंने लोड कर दिया है, टॉप कैप के ऊपर लोड करके वही नॉर्मल अपन जैसे करते हैं वैसे कर दिया. थोड़ा सा जो है कल में क्लियर कर लेते हैं. नहीं, इसके ऊपर से कोई एरोप्लेन नहीं चलाना है हमको. एनीवेज, चलिए लेट स्टार्ट फर्स्ट पास एंड द ओनली पास. ओके, विद द ग्रेन स्टेटम ब्लेड विथ रोमर 7 रिगालिया. ओके, थोड़ा सा फीडबैक मिल रहा है डेफिनेटली बिकॉज वी कंसिडर दिस एज अ मीडियम एग्रेसिव रेजर. अगर आप इसका हेड देखें, हेड का डिजाइन, तो ये आपको पता पड़ेगा कि मर्कर 34C या मर्कर क्लोज कोम जो पहले के मॉडल्स हैं उनके जैसा काफी कुछ इसका डिजाइन है. हाउएवर एज फार एज द एग्रेसिवनेस इज कंसर्न, मर्कर 34C थोड़ा सा माइल्ड है इससे. इट्स वन ऑफ द बेंचमार्क माइल्ड रेजर्स विच इज कंसिडर्ड इन द वेट शेविंग कम्युनिटी. ये थोड़ा उससे एग्रेसिव है. लेट्स कंटिन्यू. If you want a closer shave in less number of strokes and consequently less number of passes, then skin stretching can prove very important and very critical. अगर आपको कम स्ट्रोक और कम पासेस में क्लोज शेव करनी है तो स्किन स्ट्रेचिंग बहुत बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है. स्किन स्ट्रेचिंग अगर आपको सही तरीके से करनी है तो आपको सबसे पहले ग्रेन मैपिंग करना पड़ेगा. ग्रेन मैपिंग आपको नहीं पता क्या होता है या कैसे करना है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख सकते हैं. बट बिफोर स्किन स्ट्रेचिंग प्रॉपरली यू शुड कंसिडर चेकिंग आउट द ग्रेन मैपिंग. ओके, पूरा पास कर लेता हूं फिर ब्लेड के बारे में बताता हूं. रोमर 7 रिगालिया दोस्तों, आई थिंक यू नो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रेजर्स होते हैं वो मीडियम एग्रेसिव ही होते हैं. अनलेस एंड अंटिल समवन स्पेसिफिकली नोस कि नहीं भैया मेरे को तो रोज शेविंग करना ही है, या फिर मेरे को 2 हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में मैक्सिमम 1 बार शेविंग करना है, तो उस केस में माइल्ड या एग्रेसिव रेजर्स रिस्पेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं. बट इन जनरल नॉर्मल या कॉमन वेट शेवर जो होते हैं जो हफ्ते में 2 से 3 बार शेविंग करते हैं उनके लिए मीडियम एग्रेसिव रेजर्स बहुत अच्छे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. और उसमें से भी एंट्री लेवल में रोमर 7 रिगालिया इज रियली अ वेरी गुड रेजर. ओके, नाइस.
Very good. ओके सो ड्राई स्लिकनेस चेक की बात करें तो आई एम नॉट फीलिंग ड्राई स्किन के ऊपर. ऑफ कोर्स मॉइस्चर की कोई लेयर नहीं है, ठीक है, बट आई एम नॉट फीलिंग ड्राई. वो स्ट्रेचिंग, वो खिंचावट महसूस नहीं हो रही स्किन में. अगर मैं हाथ को थोड़ा सा गीला करके स्लिकनेस चेक करता हूं, सो डेफिनेटली दिस स्लिकनेस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज स्लाइटली अबाउट मीडियम, वेरी नाइस. और आज जो मैंने फेस वॉश यूज किया है वो सौंदर्य पतंजलि का फेस वॉश, ठीक है, जो बिल्कुल भी ऑयली रेसिड्यू वगैरह रहने नहीं देता चेहरे पे. तो जो भी जितना भी मॉइस्चर है, स्लिकनेस महसूस हो रहा है, वो सोप का ही है. ओके, दैट्स व्हाट आई डू टू मेक श्योर कि भाई जो स्लिकनेस चेक कर रहे हो बराबर कर रहे हैं. सो गुड, आई एम हैप्पी विद दिस शेव. आई डोंट नीड टू डू एनी टचअप्स. अच्छा क्लीन वन पास प्रेजेंटेबल शेव हो गया है. सो रिंस करता हूँ फटाफट और फिर चलते हैं आफ्टर शेव सेक्शन की तरफ. ओके सो आज का जो हमारा आफ्टर शेव है वो है माई केयर आफ्टर शेव लोशन 24 आवर्स मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मिंट एंड लेमन एक्सट्रैक्ट. और ये अवेलेबल है shavingkit.in पे, जो हमारे अमित भाई की वेबसाइट है, ओके, या ऐप है, आप डेफिनेटली उस पर चेक कर सकते हो. माई केयर आफ्टर शेव के बहुत सारे और वर्जन्स भी आते हैं, बड़े पैक आते हैं, अलग उसके वेरिएंट्स भी आते हैं, ठीक है. अब इसमें कोई देखो दोस्तों नॉजल नहीं है, तो इसका ट्रिक ये है कि आप अपनी उंगली को ही ऐसे जो है वो आगे थोड़ा सा रख कर एंड देन यू कैन पोर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. जलन को थोड़ा कम करने के लिए मैंने रिंस के बाद में पानी को रहने दिया चेहरे पे. ओके एंड आज एलम फीडबैक चेक नहीं किया, विच इज ओके, बिकॉज आज एलम फीडबैक ज्यादा एक्सपेक्टेड भी नहीं है, बिकॉज आज कोई अगेंस्ट ग्रीन वगैरह तो हमने शेविंग की नहीं है. सो दैट्स फाइन, इसको सिर्फ बंद कर लेता हूँ और फिर बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में. ऑल राइट, सो शेव इज कंप्लीट, पूरा रेजिमेन हमारा कंप्लीट हो गया. रोमर 7 रिगालिया के बारे में मैंने आपको बता दिया. बात करते हैं हम स्टेटम ब्लेड की. वेरी नाइस स्मूथ ब्लेड, द कॉम्बिनेशन विद द रोमर 7 रिगालिया मीडियम एग्रेसिव रेजर वॉज वेरी गुड. मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस कुड बी, मतलब अभी तो फर्स्ट टाइम ही यूज किया है मैंने, फर्स्ट टाइम के हिसाब से इट फेल्ट मोर स्मूदर देन शार्पर. मतलब ये विल्किंसन स्वॉर्ड की तरह कह सकते हैं या शेवेक्स की तरह कह सकते हैं इसको. अच्छा स्मूथ ब्लेड लगा मेरे को ये. एग्रेसिव और मीडियम एग्रेसिव रेजर्स के साथ में बहुत बढ़िया काम ये आपको दे सकता है. अगर आपका स्टबल नॉर्मल वगैरह है तो और ज्यादा आपको इसमें मजा आएगा. दिस इज अ स्मूथ, मतलब इससे इरिटेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. जो एक एज का बाइट होता है वो बाइट इसमें नहीं था. हाउएवर जो शेव एक्सपीरियंस मिला वो काफी बढ़िया, टगिंग फ्री, इरिटेशन फ्री और स्मूथ शेविंग एक्सपीरियंस मिला. वेरी नाइस कॉम्बिनेशन विद रोमर 7 रिगालिया. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टेटम ब्लेड. सो जय जी, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग द रिव्यू ऑफ स्टेटम ब्लेड. वेरी हैप्पी विद दिस ब्लेड, थैंक यू सो मच. एंड आप ही ऐसे कभी वन पास स्मूथ इरिटेशन फ्री शेव्स करके देखें, शायद आपको रोज रोज ऐसे शेविंग करने में मजा आएगा. तो अपने प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से सिलेक्ट करें. ऑलवेज मेरा ये कहना है कि आप क्लोजनेस और कंफर्ट का बैलेंस अचीव करने की कोशिश करें, बट क्लोजनेस और कंफर्ट में से आपको कुछ एक चीज सिलेक्ट करनी हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कंफर्ट को सिलेक्ट करें. बिकॉज अगर आपने बहुत क्लोज शेविंग कर ली और आपका काम है बाहर जाने का, ठीक है, आपको अगर पसीना आने वाला है तो फिर ये भी समझ लो कि आपको इरिटेशन होने वाला है, क्योंकि वो पसीने का जो नमक है वो आपकी स्किन में इरिटेशन करेगा. आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा दोस्तों. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. कीप अप द गुड शेव्स. बाय बाय और नमस्कार, टेक केयर.